तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और जैसे कि मैं एक हिल स्टेशन में हूँ और यहाँ है -2 डिग्री टेम्परेचर, तो ऐसी ठंड में, वैसे आज मौसम खुला हुआ है, काफी अच्छा मौसम है। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो चलिए मैं साथ में दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने कि कितना अच्छा सनी और वेदर है आज। बट जैसे जैसे शाम होती है, टेम्परेचर गोज डाउन एंड डाउन एंड डाउन, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ करारी भिंडी बनाना। और करारी भिंडी रेसिपी ये मेरी नानी बनाती थी और मैंने उनसे ही सीखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, चलिए देखते हैं। ये रही हमारी भिंडी, जिसको हमें इस तरह से इस शेप में कट कर लेना है, जैसे कि मेरी नानी कट किया करती थी। उसके बाद आपको इस तरह से अनियन को अच्छे से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेना है और गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। फिर जब ये स्टेज आ जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे सम ग्रीन चिलीज। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते, बट हमारे घर में हम तीखा खाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी बता रही हूँ। तो चलिए डाल देते हैं इसमें कुछ ग्रीन चिलीज। बस इससे ज़्यादा ग्रीन चिलीज हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। अब जो हमारा सेकंड फर्स्ट स्टेप हो गया, हमें भिंडी को इस तरह से कट करना है। सेकंड स्टेप, हमें प्याज इस तरह से कट करके फ्राई करना है। और थर्ड स्टेप, हमने इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दी है। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या है। तो गाइस, अब आपको लहसुन को इस तरह से चॉप कर लेना है, मतलब छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। वैसे गाइस, आप थोड़े और भी ऐड कर सकते हैं इसमें गार्लिक, बट मैं इतने ही ऐड कर रही हूँ। तो चलिए इसे भी ऐड कर देते हैं। दोस्तों, अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ टमाटर कट किए हैं और इसको इस तरह के, जैसे भिंडी है उसी शेप में कट किया है मैंने। और ये बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट टमाटो है और ये बस इतनी ही क्वांटिटी में ऐड करना है आपको। तो चलिए ऐड कर देते हैं। अब इसे आपको बहुत मतलब 1-2 सेकंड के लिए कुक करना है, बिकॉज ऑलरेडी टोमेटो इज़ वेरी सॉफ्ट। सो हमें वेट नहीं करना है इसके कुक होने का। और अब हम ऐड करेंगे इसमें कॉन्डिमेंट्स, यानी कि मसाले। दोस्तों, ज़ीरा हम पहले ही ऐड कर चुके थे तो वो ऐड नहीं करना है। हम लेंगे ½ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक, इतना ही क्वांटिटी हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। फिर फुल टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, ये 1 टेबल स्पून ही है तो मैं इसमें ऐसे ऐड एज इट इज ऐड कर रही हूँ। सी हाउ इट लुक्स। अब इसमें थोड़ी सी एस4TDI यूज करेंगे, यानी कि हींग डाल। इन सारे मसालों को अच्छे से ब्लेंड करेंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब हम डालेंगे अपनी कटी हुई भिंडी इस पर। तो गाइस, अब आप देख सकते हो कि ये भिंडी हल्की सी कुक हो गई है। इस स्टेज पे हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है। पहले सॉल्ट नहीं ऐड करना है, नहीं तो ये भिंडी पानी छोड़ देगी और वैसी नहीं बनेगी जैसी ऑथेंटिक नानी की रेसिपी है। तो अब इस स्टेज में जब ये हाफ कुक हो गई है, हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से सॉटे कर लेते हैं।
तो गाइस जब तक हमारी भिंडी पक रही है तब तक हमें कर लेनी है चॉप थोड़ी सी कोरिएंडर, और अब हम इसे इसमें ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों फाइनल आप देख सकते हैं पूरी तरह से कुक हो चुकी है, इसने अपना कलर भी चेंज कर दिया, और वो ये बहुत ही सॉफ्ट भिंडी थी तो बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कर देते हैं गैस को बंद, और स्टेज में हमें थोड़ा सा लेमन स्लाइस लेके इसमें इस तरह से स्प्रिंकल करना है। ये देखिए इस तरह से बस इसको हल्का सा सॉटी करना है। और हमारी भिंडी पूरी तरह से हो गई है रेडी। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो हमारी चटपटी कुरकुरी भिंडी पूरी तरह से रेडी है, उसका कलर कॉम्बिनेशन एंड इट्स यम्मी एंड डिलीशियस, और मैं इसे टेस्ट करके देख चुकी हूँ एंड आई एम श्योर आपने ऐसी भिंडी पहले कभी नहीं खाई होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक दीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू ज्योति स्टाइल कॉर्नर फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड गुड बाय।